हेलो बच्चों बच्चों, आज हम आप लोगों को एक अच्छा टॉपिक बताएंगे। मतलब बच्चों, हमारा एक टॉपिक ही ऐसा है आज का कि आप इसको अच्छे से सुनेंगे, आप अच्छे से बोर्ड में अच्छा अपना नंबर गेन कर पाएंगे। बच्चों, आज हमारा किस टॉपिक पे आज बात करेंगे, रिलेटेड किससे बच्चों? बोर्ड एग्जाम। क्या बच्चों? बोर्ड एग्जाम कि बच्चों, जो कि आपका 2025 में होने वाला है, कि हम कैसे बोर्ड में अच्छा करें, कैसे पढ़ें कि हमारा नंबर अच्छे से गेन हो पाएगा। बच्चों, आपका पेपर कब होने वाला है? फरवरी या मार्च के बीच में होगा। ठीक है बच्चों, तो हम कैसे पढ़ें? फरवरी तक हमारा टाइम है। जितना बच्चों हमारे पास अभी टाइम है, सिर्फ 2 महीने। कौन कौन सा? दिसंबर, दिसंबर, और हमारे पास क्या टाइम है? जनवरी। 2 महीने ये हमारे पास टाइम है, इम्पोर्टेंट टाइम है ये 2 महीने। 2 महीने में हम कैसे पढ़ लें हमारा नंबर बोर्ड में अच्छे से गेन हो पाए? तो बच्चों, 30 डेज इसमें, 30 डेज इसमें, टोटल आपके पास 60 डेज है। ठीक है बच्चों, आपका सब्जेक्ट कौन कौन सा है? आपका सब्जेक्ट होगा साइंस, मैथ, इंग्लिश, सोशल साइंस, कंप्यूटर और हिंदी। और बच्चों का होगा कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट? बच्चों, आपके पास इतने सब्जेक्ट हैं, टाइम कितना है? 2 महीने, मतलब 60 डेज। मतलब बच्चों, 1 2 3 4 5 6, मतलब बच्चों हर एक सब्जेक्ट को आप 10 डेज देते हैं, 10 डेज, तब भी आपका बच्चों अच्छे से नंबर गेन हो जाएगा, फिर यदि आप अच्छे से स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे। तो बच्चों, हम बात करते हैं साइंस की पहले। किसकी बच्चों? साइंस की। साइंस बच्चों आप कैसे पढ़ेंगे? इसमें बच्चों आपका क्या क्या होगा? साइंस में केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी होगा। क्या बच्चों? केमिस्ट्री होगा, फिजिक्स होगा और बायोलॉजी होगा। तो बच्चों, तीनों को आप एकदम अच्छे से कैसे करें कि हमारा अभी कौन सा वीक सब्जेक्ट है, फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी, उसको आप उठाइए और 10 डेज में इसको वही पढ़िए कि कैसे हमारा अच्छे से इसको रिवीजन कर पाए। ठीक बच्चों, जो वीक टॉपिक हो उसको अच्छे से क्लियर कर पाए। अब क्या बात करते हैं बच्चों हम मैथ में। मैथ बच्चों आप सबसे फॉलो करिए, अगर यदि आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं अभी, तो मैथ में सिर्फ आप एनसीईआरटी पढ़ के जाइए। एनसीईआरटी आप पढ़ के जाएंगे तो 100 में नहीं कुछ तो 70 नंबर आपका श्योर है। ठीक बच्चों, तब बात करते हैं क्या इंग्लिश का। इंग्लिश आप कुछ बच्चे क्या होते हैं कि यूट्यूब पे वीडियो देख के चले जाते हैं, तो बच्चों आप वीडियो कम देखिए और जो स्टोरी होगा बुक से वो ज्यादा पढ़िए। ठीक बच्चों, यदि आप बुक से स्टोरी पढ़ते हैं तो आपका ज्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप अच्छे से थ्योरी को पेपर में लिख पाएंगे। ठीक बच्चों, अब बात क्या करते हैं सोशल साइंस। सोशल साइंस कैसे हम पढ़ेंगे? सोशल साइंस बच्चों, इसमें क्या क्या होगा? आपका ज्योग्राफी होगा, हिस्ट्री होगा, सिविक्स होगा। क्या क्या बच्चों सोशल साइंस में होगा? सोशल साइंस में हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी, इसको आप भी अच्छे से पढ़िए। हिस्ट्री को बच्चों आप एकदम स्टोरी पढ़िए, स्टोरी में कौन कौन सी डेट है उसको याद कर लीजिए। और सिविक्स में बच्चों, इसको बच्चों आप टॉपिक वाइज चैप्टर की तैयार करिए। ज्योग्राफी में मैप मैप वगैरह अच्छे से देख के जाइए। ठीक बच्चों, और कंप्यूटर तो आप एकदम, कंप्यूटर तो बच्चों आप हल्के मत लीजिए, लेकिन उसको अच्छे से कर लीजिएगा।
हिंदी के बच्चों आप पेपर के 2-3 दिन पहले ही अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो आप अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ठीक बच्चों, तो ये था बच्चों स्ट्रेटजी कि हम साइंस मैथ इंग्लिश सोशल साइंस कंप्यूटर हिंदी कैसे पढ़ें 2 महीने के अंदर। बच्चों आप डिवाइड कर लीजिए, सिर्फ क्या बच्चों 10 डेज साइंस के लिए है, 10 डेज मैथ, 10 डेज इंग्लिश, 10 डेज सोशल साइंस, 10 डेज कंप्यूटर, 10 डेज हिंदी। तो बच्चों आप एक अच्छे से टाइम टेबल बना लीजिए, टाइम टेबल, और उसको फॉलो करके 2 महीने अभी आप अच्छे से 2 महीने 6 घंटे 6 घंटे भी डेली पढ़ लेते हैं या 4 घंटे भी पढ़ लेते हैं तो आपका 80% कहीं नहीं गया है। ठीक बच्चों, तो आप इसको स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए और अपना बोर्ड में अच्छे से नंबर गेन करिए। बच्चों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कैसे हम तैयारी करें बोर्ड एग्जाम की कि हमारा अच्छे से प्रिपेयर हो पाए। ठीक बच्चों, धन्यवाद बच्चों।